बहुमूल्य पत्थर। एक बार एक जगह तीन मित्र मिले, उनमें एक राजकुमार, दूसरा एक विद्वान का पुत्र तथा तीसरा एक धनी व्यापारी का पुत्र था। ये तीनों युवक बहुत ही आलसी थे, जो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते थे। वे बिना किसी चिंता के अपने जीवन को मौज मस्ती से जी रहे थे। उन तीनों के पिता अपने अपने आलसी पुत्रों से प्रसन्न नहीं थे। उन तीनों के पिताओं ने अपने पुत्रों को सुधर जाने के लिए सावधान किया। फिर से जब तीनों मिले तो उन्होंने ही ये विचार विमर्श किया कि अपने अपने पिता के कहने के अनुसार अब उनको क्या करना चाहिए। अब वे तीनों अपने पिताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। इस कारण तीनों ने एक जगह बैठकर सोचा कि वे अब क्या कर सकते थे, कहां जाकर वे अपने भाग्य को परखें जिससे वे अपने जीवन के लिए खूब ढेर सारा धन प्राप्त कर सकें। अतः धनी व्यापारी के पुत्र ने कहा कि उसने लोगों को कहते हुए सुना था कि पहाड़ों में बहुमूल्य पत्थरों का खजाना पाया जाता है। ऐसा सुनते ही राजकुमार ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर उन बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। फिर हम उनको बेचकर धनी हो जाएंगे और अपने लिए एक अच्छा घर खरीदकर सुख का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस प्रकार राजा का पुत्र होने के कारण राजकुमार ने सुख देने वाली बात ही सोची। अतः तीनों ने पहाड़ी रास्ते की ओर चलना आरंभ कर दिया। मार्ग में उन तीनों को भयानक घना जंगल, नदी आदि पार करना पड़ा। अंत में वे एक पहाड़ के निकट पहुंचकर उस पर चढ़ने लगे, जबकि उस पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ना बहुत कठिन था। अनेक बार वे फिसलकर नीचे गुफा में गिर पड़ते थे। फिर भी उन तीनों ने साहस ना छोड़ा। बराबर एक दूसरे की सहायता करते हुए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते गए। अंततः उन्होंने उन गुफाओं को खोज निकाला। उनके ऊपर से होते हुए वे एक ऐसी गुफा के नीचे पहुंचे जो सुरंग के समान थी। अब तक वे तीनों बहुत प्यासे हो गए थे, अतः पानी को पानी की इच्छा से वे उस सुरंग के अंदर की धरती को एक जगह से खोदने लगे। अचानक उनकी आंखें चकाचौंध करने वाली रोशनी से चौंधियाने लगीं। वह चकित करने वाली चमक थी। वास्तव में वहां वे ही बहुमूल्य पत्थर थे जो अपनी चमक से उनके चेहरे को चकाचौंध कर रहे थे। उन बहुमूल्य पत्थरों को खोजकर तीनों मित्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अतः तीनों में से प्रत्येक ने अपने साथ थोड़े थोड़े पत्थर ले लिए। तत्पश्चात थोड़ा विश्राम कर तीनों अपने रास्ते वापस लौटने के लिए चल दिए। जब वे तीनों जंगल के रास्ते में पहुंचे तो व्यापारी के पुत्र ने कहा, हमें अपने अपने बहुमूल्य पत्थर छिपा लेने चाहिए। मैंने सुन रखा है कि जंगल में चोर भी रहते हैं जो आने जाने वाले यात्रियों को लूट लेते हैं। ऐसा सुनकर विद्वान के पुत्र ने कहा, हाँ, यदि ऐसा है तो हम तीनों को अपने अपने पत्थर निगल लेने चाहिए। ऐसा करने से पत्थर हमारे शरीर के अंदर होंगे, तब कोई भी उनको चुरा ना सकेगा। अतः तीनों मित्रों ने अपने अपने बहुमूल्य पत्थर निगल लिए। वहीं पास में एक पेड़ के ऊपर एक चोर छिपा हुआ था। उसने इन तीनों की बातें सुन ली थीं, परंतु इनको ये पता ना चला कि यहाँ आसपास कोई चोर छिपा बैठा है। इस कारण चोर ने इनकी इस बात से लाभ उठाना चाहा। उसने झट एक व्यापारी का वेश धारण किया और तीनों मित्रों से मिलकर कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहकर यात्रा कर सकता हूँ? मैं अकेले यात्रा करते हुए डर रहा हूँ, क्योंकि इस जंगल में चोर है। तीनों मित्रों ने ये सोचकर कि वो व्यक्ति भी उन्हीं की तरह एक यात्री है, उसको अपने साथ ले लिया। शीघ्र ही वे चारों एक गांव पहुंच गए। उस गांव के मुखिया के पास एक ऐसा पक्षी था जो बोलता था। वो पक्षी गांव के बाहर से आने वाले व्यक्ति का भेद खोल देता था, या दैवी ढंग से ये प्रकट कर देता था कि कौन क्या छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। वो पक्षी एक अच्छा गुप्तचर था। अब जब तीनों मित्र अपने साथी चोर के साथ गांव के मुखिया के सामने खड़े थे, तो प्रधान के पक्षी ने कहा, मालिक, इन्होंने बहुमूल्य पत्थर छिपा रखे हैं। प्रधान ने यह सुनकर उन बहुमूल्य पत्थरों को उनके पास से खोजने को कहा। चारों की पूरी जांच पड़ताल के बाद भी किसी को कुछ ना मिला।
उधर प्रधान का पक्षी बराबर कर्कश शब्द से चिल्ला रहा था, इन तीनों ने बहुमूल्य पत्थर को अपने अंदर छिपा रखा है। यह सुनकर मुखिया ने अपने आदमियों से कहा, बारी बारी से प्रत्येक का पेट चीर कर बहुमूल्य पत्थरों को निकालो। तीनों मित्रों ने सोचा, ओ नहीं, अब क्या होगा। अभी तीनों मित्रों ने ये सोचा ही था कि अचानक उनके साथी चोर ने आगे बढ़कर प्रधान से कहा, हे मुखिया, सर्वप्रथम मेरे पेट की जांच करो, उसके बाद तुम अन्य को जांच सकते हो। अतः जब प्रधान के आदमियों ने चोर का पेट काट कर देखा तो स्वाभाविक था कि उनको वहां कुछ ना मिला। अब प्रधान ने सोचा कि हो सकता है कि इस बार पक्षी गलत बोल रहा हो। इस कारण प्रधान ने तीनों मित्रों को छोड़ दिया और उन्हें जाने दिया। उधर चोर बुरी दशा में पड़ा था। शीघ्र ही तीनों मित्रों ने उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिनों के पश्चात चोर ठीक हो गया। अब चारों अच्छे मित्र हो गए। चोर के द्वारा उनको प्रधान के दंड से बचाने के लिए वे तीनों बहुत अधिक आभारी थे। तीनों ने चोर को धन्यवाद दिया कि उसने उनके जीवन की रक्षा की। चोर भी तीनों मित्रों के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ था कि उसके अपने पूरे जीवन में कभी किसी ने इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं किया। अब चारों एक साथ रहने लगे। तीनों मित्रों के साथ ही चोर के परोपकार और त्याग ने तीनों मित्रों के मन में ये विश्वास उत्पन्न कर दिया कि वो उनके साथ सच्चा और अच्छा यात्री सिद्ध हुआ। शिक्षा, परोपकार से भी अपना जीवन हम सुधार सकते हैं। इस प्रकार भी मित्र भाव और भाईचारा अपना सकते हैं।